नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कितना चल पाएंगे हम, लेकिन अंदर में कोई शक्ति है जो हमें लेके जा रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं पहली बार चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हम तो तीसरी बार बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ही लग रहा था कैसी होगी, लेकिन अभी चल के इतना मजा आ रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है, कि इतनी खुशी मिल रही है जाते हुए कि पता नहीं था कि कैसी यात्रा होगी हमारी, लेकिन अभी इतना अच्छा लग रहा है। हाँ चले हैं पैदल इतना, लेकिन संगत के साथ जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। मैं श्याम बाबा के पहले पैदल भी गई हूँ 4-5 बार दिवाली से, और अब यहाँ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। बाबा अपने आप शक्ति दे रहे हैं मुझे, और बहुत अच्छा लगता है चुलकाना धाम जाना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। संख्या के साथ ही मजा आता है, वैसे क्या मजा आता है, बहुत मजा आ रहा है। मेरा नाम गुंजन है, मैं पानीपत से हूँ, पहली बार यात्रा में आया हूँ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने अभी, और अभी मैं जॉब करती हूँ, और बहुत मजा आ रहा है। यात्रा में पहला एक्सपीरियंस है, अगली बार मैं बहुत सारे जनों को लेकर आऊंगी, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम भी इस यात्रा का भाग, ऐसा लग रहा है कि हम मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब चल रहे हैं उस सब में आपस में एक प्यार, एक जो होता है ना कि एक इकट्ठा बन, मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा जी मेरी तीसरी यात्रा है, तीसरी यात्रा में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खाटू श्याम जी हमारे को बस खींचे चले जा रहे हैं और हम चले जा रहे हैं। बहुत ही प्रेम, बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं मैं तो आज तक सैर करने भी नहीं गया, ये तो खाटू श्याम की कृपा से सीधा ही आ रहा है, रन थ्रू आ रहे हैं। हमारे भूषण नागपाल जी हैं मेरे साथ, अमित नारंग है, दुआ है, ललित जी है, और हमारे महात्मा जी हैं, ये साथ में चल रहे हैं। बहुत ही आनंद और बहुत ही मंगल, मजा आ गया। अगली बार हम अपनी होट टीम बढ़ाएंगे इसके साथ। सच्चाई में ये तो बहुत अच्छी बात है, 36 बिरादरियों के लोग चल रहे हैं, कोई भी यहाँ पे किसी बिरादरी का नहीं है, और ना ही बिरादरी का यहाँ पे कोई काम है, ये खाटू श्याम जी का सारा है, हरे का सारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम की परिक्रमा देत लख 84 कोट से सहज ही मुक्ति ले, ये बड़ा प्राचीन इतिहास रहा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब हम कई मुसीबतों में फंस जाते हैं, हमारे लिए कोई एक रास्ता नहीं मिलता, कोई एक ठिकाना नहीं मिलता, तो हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। व्यक्ति को जिंदगी में 3 चीज की आवश्यकता होती है, नोट, बोट और सपोर्ट। हम तो कहते हैं नोट भी मिलेगा, बोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, कब? जब हम अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपनी इष्ट परमात्मा से लगा लेंगे, तो सारे भक्त श्रद्धा भगवान सभी बड़े भाव के साथ बाबा के यहाँ अपना ध्यान कराएंगे। जब कोई सहारा नहीं मिलता तो बाबा खाटू श्याम का सहारा उनको प्राप्त, कुल मुक्त है, प्रेम है और सद्भावना है। देखो जब किसी कार्य को हम उसमें स्वार्थ नहीं होता, जब बिना स्वार्थ के हम किसी कार्य को करते हैं, दो प्रकार की दोस्ती होती है, एक स्वार्थपूर्ण और एक निस्वार्थपूर्ण। तो जब हम किसी कार्य को स्वार्थपूर्ण नहीं करते तो उसमें सबका हित होता है और सब अपने कल्याण के लिए निकल चलते हैं, तो उसमें सबका कल्याण होता है। वृंदावन ट्रस्ट ने कोई एक ऐसा अपने लिए कोई कार्य नहीं किया, सबके हित के लिए किया है। तो जब इतने लोग पानीपत के लोग उमड़ कर आए हैं इस कार्य के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा सनातन धर्म और हम सब ऐसे ही प्रभु से प्रेरणा लेते रहेंगे और ऐसे ही प्रभु के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते रहेंगे, तो हमारा भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आप लोग इतनी मेहनत के बाद भी आप हमारे साथ चल रहे हो और सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देंगे, कल ही यात्रा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल है, मतलब बाबा श्याम खुद खींच रहे हैं अपने आप, मतलब इतनी थकावट होने के बाद भी थकावट महसूस नहीं हो रही है, अपने आप चले जा रहे हैं और एक बहुत ही आनंद आ रहा है। ये तो एक शुभ घड़ी है जिसमें हमें सम्मिलित होने का मौका मिला है, वृंदावन ट्रस्ट की वजह से ही मिला है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, राकेश भाई का धन्यवाद करता हूँ, वृंदावन ट्रस्ट के सभी मेंबरों का धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले इतना कभी नहीं चली थी आज तक, पर आज मैं वृंदावन ट्रस्ट की तरफ से पहली बार चल रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है श्याम प्रेमियों के साथ, और इतना भारा निशान लेके चल रही हूँ। मैं वृंदावन ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये जिन्होंने हमारे को सबको श्याम प्रेमियों से मिलाया है, बाबा श्याम के दर्शन करने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री श्याम। सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा है, इन्होंने हमें इतने सारे लोगों से मिलाया, जितना हम आधा घंटा भी नहीं चल सकते और हमने इतनी लंबी यात्रा कर ली, ये सब वृंदावन ट्रस्ट वालों की बहुत पहचान है हमारा, हम उनका जितना भी धन्यवाद करना चाहिए उतना ही कम है। हम तो कहते हैं हे भगवान, वृंदावन ट्रस्ट वाले इतनी सोची थे,
बाकी जो है वो सारी जिंदगी सब तो ऐसे ही ले जाते रहे, बहुत अच्छा लगा। पहली मैं तो पैदल चलता नहीं था, पर आज बाबा ने आशीर्वाद दे रखा, आज मैं पहली बार चल रहा हूँ और कामयाब होकर दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया वो हो रहा है, बाबा का अंतरात्मा से बिल्कुल आशीर्वाद लेके आए हैं बाबा जी का, और धन्यवाद सोसाइटी का, वृंदावन ट्रस्ट का, जो हमें मौका दिया, और आगे आने वाले टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ेंगे संस्था।